खबर मैनपुरी से। जीएसटी टीम ने होलसेल कोल्ड ड्रिंक के गोदाम में मारा छापा। उत्तर प्रदेश सरकार व्यापार में टैक्स चोरी करने वाले व्यापारियों पर अब शिकंजा कसने का काम कर रही है, जिससे टैक्स चोरी करने वालों पर कार्यवाही कर उत्तर प्रदेश राजकोष में टैक्स जमा कर प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। जिसके चलते आज जनपद मैनपुरी शहर में उस समय हड़कंप मच गया जब आयकर विभाग ने ज्वाइंट कमिश्नर अनिमेश कुमार के निर्देशन में कोतवाली क्षेत्र के शमशान घाट रोड पर स्थित पूरे जनपद में अलग अलग ब्रांडों की कोल्ड ड्रिंक की होलसेल में सप्लाई करने वाले पवन टेलीकॉम फर्म एजेंसी के गोदाम में टैक्स चोरी की सूचना पर छापामार कार्यवाही की। आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्यवाही करते हुए गोदाम स्वामी पवन गुप्ता निवासी मदार गेट मैनपुरी से टैक्स चोरी के 10 लाख रुपए की धनराशि की वसूली करते हुए राज्य कोष में जमा कराई। इस संबंध में ज्वाइंट कमिश्नर अनिमेश कुमार ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, देखें इस रिपोर्ट में। सर, आपके विभाग की तरफ से कल एक कार्रवाई की गई थी जिसमें बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी का मामला था, क्या पूरा मामला था और कैसी कार्रवाई की गई विभाग की तरफ से? कल हमारे यहाँ व्यवस्था के अधिकारियों द्वारा पवन टेलीकॉम फर्म की जांच की गई थी, जो एक कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी का कार्य करते हैं, खरीद बिक्री का कार्य होता है, पेप्सी का बेसिकली उनके द्वारा कार्य किया जा रहा था। तो उनके यहाँ जांच करने पाया गया कि उनके द्वारा बिक्री पर स्टॉक 60 पाया गया था और उस पर 10,05,000 रुपये का टैक्स बन रहा है, जो बता दिया गया है और उनके द्वारा आज जमा भी कर दिया गया है। सर, ये माना जाए कि चोरी कर रहे थे? चोरी तो नहीं, लेखों में उनको टैक्स जमा नहीं किया था, घोषित नहीं किया था, अपनचन तो है ही नहीं। स्टॉक जो दिखाया गया, बिक्री हो गई थी और उसका लेखों में दर्ज नहीं पाया गया, चोरी माना जाए उसे? आप अपनचन तो मान ही रहे हैं हम लोग जी। सर, इस तरीके की कार्रवाइयाँ शहर में और भी जगह होनी है क्या जी? अगर कोई सूचना प्राप्त होती है, हम लोग इसका विस्तृत एनालिसिस करते हैं और किसी रिकॉर्ड में अगर कोई कमी प्राप्त होती है तो उस पर किसी पर भी कार्रवाई हो सकती है। और लेकिन जो सही व्यापारी हैं उनको इसके घबराने की आवश्यकता नहीं, अपना काम ईमानदारी से करते रहें तो इस प्रकार की कोई, और फिर रिटर्न समय से भरते रहें। सर, ये जो कार्रवाई आपने की है, आपकी इस कार्रवाई से क्या व्यापारी वर्ग प्रभावित होगा और क्या कहना चाहेंगे व्यापारियों से? नहीं, व्यापारी पर कोई प्रभावित नहीं होगा, अपना रेगुलर टैक्स वो देते रहें, जितना उनका बिक्री पर नहीं हो उस पर लगातार अपना टैक्स जमा करते रहें, तो इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर ये पाया जाएगा कि उनके द्वारा बहुत ही कम टैक्स दिया जा रहा है, खरीद की जा रही है और कहीं पर टैक्स नहीं आ रहा है, तो उसके क्रम में हम लोग एनालिसिस करके ही जाँच करते हैं।